भाई लोग, भाई को भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भाई का ग्रो और करे चैनल। मेरी भाई रिक्वेस्ट है, हम लोग भी आदिवासी हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड रखते हैं, क्यों भाई? हाँ भाई को हम सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। हाय गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा झारखंड जोहार। मेरा नाम है पात्री टुपो, स्वागत है झारखंड गुमला जिला के खूबसूरत डोकापर गांव से। दोस्तों, मैं कल अपने गांव आया हूं और गाइस गांव का नज़ारा देख सकते हैं अभी क्या स्थिति है, यानी क्या सीन है गाइस। काफ़ी जोर इधर दोस्तों आंधी तूफान वाली बारिश हो रही है, मतलब हवाएँ काफ़ी जोर चल रही है गाइस, क्या ही बोलो, और छिमिर छिटा वाली बारिश चल रही है दोस्तों। सो दोस्तों, इधर देख सकते हैं खेतों में दोस्तों पानी भरा हुआ है, तो यही खेतों का पानी में दोस्तों अभी मैं अपना मुँह धुआ लूँगा। मेरा बालों को देखिए दोस्तों, हवाओं की वजह से कैसा उड़ रही है देख सकते हैं गाइज। और मेरा पीछे साइड देखिए, खूबसूरत सा नज़ारा गाइज, क्या ही व्यू है गाइज। देखिए चार तरफ ओई ओई बड़ी बाबा, छाता दोस्तों उलट जाता तो क्या होता पता है आप लोगों को, पूरा छाता का छोटा छोटा डंटी दिखाई दे रहा है, सब टूट जाता गाइज। और अभी मैं धोने के लिए आ रहा हूँ दोस्तों, ब्रश कर लिया हूँ, देख सकते हैं ये मेरा हाथों में दतुन है गाइज, झारखंडी भाषा में हम लोग इसको दतुन बोलते हैं। और इधर हमारे गाँव के सभी लोग दोस्तों अपने घरों का बर्तन धोने के लिए आते हैं, देख सकते हैं इधर, यहाँ पे वहाँ लोग बर्तन धो रही है। देखिए यहाँ से पानी जा रही है नाली होते हुए नीचे की ओर जा रही है गाइज। देखिए दोस्तों यहाँ का पानी कैसा दिखाई दे रहा है, मस्त पूरा ज़मीन भी दिखाई दे रही है, इतना साफ पानी है गाइज। देखिए खेतों से होते हुए निकल रही है और ये पानी लेके जा रही है सामने, यहाँ खेतों में चुआ बनाए हुए हैं, हम लोग अपने भाषा में चुआ बोलते हैं, तो वहीं से पानी ये लोग गांव लेके जाते हैं, ये रास्ते से होते हुए पानी लेके जाते हैं गाइज। और देख सकते हैं रास्ता कितना कादो कीचड़ से भरा हुआ है गाइज, गांव देहात का यही हालात होता है दोस्तों, सभी गांव देहातों का यही हालात होता है गाइज, इन कादो कीचड़ से होते हुए जाना पड़ता है। अब क्या ही बोले गाइज, सरकार हमारी आवाज़ थोड़ी है ना सुनेगी। और मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ गाइज, ये बंदर किधर जा रहा है, ओका सो जाओ नाम सा, ओका सो जाओ नाम स्कूल। देखिए दोस्तों बारिश में भींगते हुए स्कूल जा रहा है ये बंदा। यूट्यूब राम ही कम वीडियो बनाओ ना। देखिए गाइज कौन स्कूल जा रहा है रे, उजरा टुली। दोस्तों यहाँ से लगभग 1.5 घंटा का रास्ता है गाइज उजरा टुली स्कूल जाने में, तो ये बंदा अभी गांव का बंदा ही है, ये अभी उजरा टुली स्कूल जा रहा है। अभी ये 8 क्लास में लगभग होगा मुझे ऐसा लग रहा है उम्र के हिसाब से, तो काफ़ी मज़ा आता था दोस्तों। हम लोग भी जब 8-9 क्लास में थे तो काफ़ी इन्जॉय करते थे। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ दोस्तों, क्या ही बोलूँ, हॉस्टल में रहा करता था, वहाँ का अलग ही मज़ा होता है दोस्तों। हॉस्टल में काफ़ी सारे अलग अलग गांव के लोग वहाँ दोस्त यार थे, तो काफ़ी इन्जॉय करते थे, मज़ा आता था, क्या ही बोले। और ये लोग अपने घर से दोस्तों आना जाना करते हैं, हम लोग तो हॉस्टल में ही सारा कुछ खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब कुछ व्यवस्था था, और वो भी फ्री में दोस्तों। पूरा 10 साल मैं दोस्तों हॉस्टल में ही अपना जीवन यापन किया हूँ, यानी पूरा सा मैं हॉस्टल में ही गुजार रहा हूँ, क्या ही बोलूँ। और ये सामने रास्ता जा रही है, यही रास्ता दोस्तों शॉर्टकट ऊपर की ओर ले जाती है, इसी में पैदल वाले लोग चलते हैं और सवारी वाले लोग ये वाला रोड से जाते हैं। सो गाइस अभी मैं कोटे बाज़ार आया हूँ दोस्तों, मेरे आते वक्त ये पूरा उड़ चुका है, अभी दोस्तों शाम के 6 बजे हैं, और देख सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये रहे हमारे भैया, काफ़ी जोर तीता लग रहा है यार, अभी चौमिन खाया ना तो काफ़ी मिर्चा डाला था। और अपना हाल बताओ कैसे हो? अभी तो ठीक है, मेरा नाम प्रदीप राव है, गाइज आप लोगों को एक ब्लॉग में दिखा दिया था, याद कीजिए हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे उस टाइम, साथ में ब्लॉगिंग किए थे क्या भाई? प्रशिक्षण केंद्र में गुमला में काफ़ी मज़ा आया था वाला ब्लॉग, वहाँ यूट्यूब में मिल जाएगा, गुमला RCT आप लोग सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। और ये रहे हमारे भैया,
का नाम है संजय उरव, घुंगरू पार्क के रहने वाले हैं। ये चना बेचते हैं। आज कितना कमाया चना बेच के? मोटामोटी 1500। देखिए दोस्तों, छोटा बिजनेस लेकिन इतना धमाल उड़ा दिया, हमसे भी ज़्यादा कमा रहे एक दिन में। और ये भी बिजनेस मैन है। यहाँ पे जितना भी आप लोग देख रहे हैं, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है गाइस, छोटा बड़ा सब मिला के ही बहुत बड़ा अमीर बनते हैं। हाँ भाई, हाँ। अभी ये ट्रैक्टर भी ले लिया है, हम भी सोच रहे हैं ट्रैक्टर ले लिया अगले साल, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेरा बिजनेस तो अभी स्टार्ट हुआ है 6 महीना, आज बाजार नहीं था, फिर भी 5-6 हज़ार का बिकिए गया, बाजार का तो कोई अच्छी नहीं था। आज उतना खास बाजार नहीं था, बट फिर भी 6 हज़ार तक का इसका बिक्री हो गया। और इसका तो आप लोग सुन लिए 1500, और मेरा तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग मेरा आज तो 900 का बिक्री हुआ है लगभग। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग का बिजनेस बहुत बड़ा लेवल पर हो जाएगा, हम लोगों को काफ़ी कुछ चेंजिंग मिल जाएगा। हम लोग साथ क्या क्या हम लोग खरीदते हैं उसी में आप लोग समझ सकते हैं क्या भाई। जैसे कि बिजनेस जितना मुनाफा होगा उतना अलग अलग आइटम लेंगे, कोई बाइक लेगा, कोई बड़ा बड़ा फोर व्हीलर लेगा, जिसका फोर व्हीलर नहीं 6 व्हीलर हो गया। ठीक तब ये दोस्तों घुंगरू पार्क ही हैं और मैं डोका पार्क का हूँ। हम लोग काफ़ी मस्ती करते हैं इन लोग से मिल के, काफ़ी अच्छा लगता है। तो शाम हो चुके, मैं अभी अपने कहा जाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर लोगों को इधर देख सकते हैं, ये रहा एक हमारे सब्सक्राइबर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुखवासुर है। सुखवासुर गाँव नौ बढ़िया पाठ। बढ़िया पाठ, ये भी मेरा सब्सक्राइबर है, हमारे आदिवासी भाई है। भाई है, हम लोग साथ में रहते हैं, असुर लोग को हेल्प करने के लिए हम लोग साथ में रहते हैं, इसलिए हम लोग साथ में इधर आए थे। थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए थोड़ा सा सुन लिया ना भाई क्या बोले। तो मज़ा लगता है दोस्तों, हम लोग साथ में रहते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, फुटबॉल मैच वगैरह सब होता है ना, तो काफ़ी साथ में रहते थे और मज़ा मौज मस्ती तो बहुत होता है। सही रहते हैं, होता ही रहेगा ब्लॉग में क्या, वही हम लोग जो कुछ भी इंटरटेनमेंट करते हैं, इंजॉय करते हैं, वही आप लोग देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदा रहिए। जय हिंद।